का टूटा है दीवार भी तोड़ दे दीवार ये देखा तार कटले हुए ये देखा ईटा के ठार देखा हुआ नया नया कुल ईटा गले पर और उस रास्ते से ईवीएम को हटाया गया ये देख ये तार टूटा हुआ है ये तार ये देखिए तार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती से पहले राज्य में बवाल मचा है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से ईवीएम मशीनों और बैलेट पेपर पकड़े जाने के मामले सामने आ रहे हैं। मंगलवार को बनारस में एक गाड़ी से ईवीएम मशीनें पकड़े जाने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो बरेली, सोनभद्र और मुरादाबाद में बैलेट पेपर पकड़े जाने तक जारी है। कुछ लेखपालों के पास से भी बैलेट पेपर मिले हैं। आदाब नमस्कार, मैं अतीक खान, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। इन घटनाओं ने चुनाव की निष्पक्षता और चुनाव आयोग की भूमिका को संदिग्ध बना दिया है। आयोग का तर्क है कि ईवीएम 3 लेयर सुरक्षा घेरे में है, लेकिन जिस तरह से मतगणना स्थल के बाहर से सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के पास बैलेट पेपर बरामद किए जा रहे हैं वे सब इस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रमुख सचिव सीधे डीएम को फोन करके कह रहे हैं कि जहां भी भाजपा हारे वहां काउंटिंग धीमी करा दी जाए, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं वो कहीं ना कहीं परसेप्शन ये क्रिएट करना चाहते हैं कि हाँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जिससे वो चोरी भी करें अगर वो भी न पता लगे कि हाँ चोरी हुई है। ये जितने कुछ एग्जिट पोल हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं कि अगर वो चोरी भी करें तो शायद नजर न आए। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव डीएम्स को फोन कर रहे हैं कि जहां बीजेपी हारे वहां पर काउंटिंग स्लो होनी चाहिए। और जो आज देखने को मिला है बनारस में कि जहां ईवीएम ले जाई जा रही थी एक ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक लेकर के भाग गए। ये घबरा गए उसी दिन जिस दिन अखबारों में कुछ जगह आया कि कहीं पार्क की सफाई हो रही है, कहीं घर की सफाई हो रही है। और ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। मैंने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है, इसके बाद तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी तभी बदलाव आएगा। और मैं अपनी पार्टी के लोगों से कहूंगा कि जब तक काउंटिंग न हो जाए तब तक कम से कम ये नजर रखें और लगातार निगरानी रखें कि कैसे वोट बचाया जा सकता है, कैसे जहां पर मशीनें रखी हैं कोई किसी का आना जाना ना हो। एक स्ट्रांग रूम से बाहर नगर पालिका की कचड़े की गाड़ी में जिसका नंबर UP25DT9166 में 3 बक्से सील पकड़े गए। अगर प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री फोन करेगा डीएम क्या कर सकता है, डीएम की क्या हैसियत है। और बनारस जैसी पोस्टिंग किसी डीएम को मिली होगी, इस डीएम को मैं भी जानता हूँ। जब पहली पोस्टिंग मैंने मुजफ्फरनगर दी थी मैं नहीं जानता हूँ डीएम कौन है, किसकी सिफारिश पे मुजफ्फरनगर पहली बार गया था। बेईमानी करा रहा है ये डीएम। चुनाव आयोग को सबसे पहले जिलाधिकारी बनारस पे कार्रवाई करनी चाहिए कि आखिरकार उसने किसी को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया। जैमर इसलिए कि कई लोग आशंका इस बात की व्यक्त कर रहे हैं कि हो सकता है कि टेक्नोलॉजी ऐसी हो जहां पर मैनिपुलेशन किया जा सके, इसलिए कहीं न कहीं देखा जाना चाहिए इस बिंदु को भी। आपको ये देखना चाहिए जो एग्जिट पोल कर रहे हैं क्या मुनाफे के लिए कर रहे थे, जो कंपनियां बड़ी बड़ी सर्वे का पैसा कौन दे रहा उनको। बरेली और बनारस की घटना के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। बरेली में रात भर हंगामा चलता रहा। बरेली कैंट से सपा प्रत्याशी सुप्रिया एरन, बहेड़ी प्रत्याशी अताउर रहमान समेत सभी प्रत्याशी और हजारों कार्यकर्ता मौके पर डटे रहे। सारी रात रथ जगा चला। बरेली की घटना को लेकर डीएम शिवाकांत द्विवेदी का भी बयान आया है। डीएम ने कहा कि एक कूड़ा गाड़ी से इलेक्शन से जुड़ी सामग्री बरामद की गई है, लोगों ने आपत्ति की, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, समाजवादी पार्टी से जुड़े जो लोग थे वो संतुष्ट हुए, मामले की जांच की जा रही है। जानना चाहेंगे क्या मामला है, मामला देखिए ऐसा था, वो गलती कर दी आरओ ने, थोड़ी मिस्टेक कि भ्रमवश जो है वो कुछ इलेक्शन से संबंधित स्टेशन ली और खाली बॉक्स ला रही थी। अब वो कूड़े की गाड़ी में थी इसलिए लोगों ने आपत्ति की। आपने देखा है लोग आए, सबको सब संतुष्ट हो गए, देख लिए सभी ने, स्ट्रांग रूम देख लिया, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है और सारी ईवीएम हमारी सुरक्षित है, इस बात पर कन्विंस होकर के लोग गए। हम इसकी जांच करेंगे, कोई जिम्मेदार होगा तो कार्रवाई जरूर। हालांकि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सुप्रिया एरन इससे संतुष्ट नहीं है। एक अधिकारी द्वारा इस मामले में माफी मांगने को लेकर उन्होंने कहा कि ये बेहद गंभीर मामला है, माफी मांगने भर से काम नहीं चलेगा, आखिर चुनाव क्यों कराए जाते हैं, इस तरह की धांधली से तो फिर चुनाव का कोई औचित्य ही नहीं बचता है। उन्होंने मांग की है कि घटना की जाँच कर कठोर कार्रवाई की जाए।
वहीं बनारस के मामले में डीएम कौशल राज शर्मा ने कहा कि काउंटिंग कर्मचारियों की ट्रेनिंग के लिए 20 ईवीएम मशीनें ले जाई जा रही थी। उस गाड़ी को कुछ लोगों ने रोका, उन्हें यह भ्रम हुआ कि ये ईवीएम मशीनें तो नहीं है। हालांकि डीएम के इस तर्क पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि चुनाव की ट्रेनिंग से तो पहले ही हो जाती है, मतगणना से एक दिन पहले बनारस में ही ट्रेनिंग की जरूरत क्यों पड़ी। मैच करते हुए अगर वो ईवीएम का नंबर मैच करता है तो फिर हम लोग दोषी हैं, जो पोलिंग में यूज हुआ वही ईवीएम निकल रही है। अगर वो प्रेक्षक को तुरंत बुलाया जाए और जांच करें। प्रेक्षक तो सर यही है, प्रेक्षक तो सर यही है, आपके सामने प्रेक्षक है, पीछे सारे प्रेक्षक बैठे हैं। सही प्रोसेस में सारे प्रेक्षक। अच्छा, नियम क्या सर? मैंने जो प्रोटोकॉल हुआ, जो ईवीएम का मूवमेंट था, उसमें त्रुटि हुई, ये बात है, उसमें त्रुटि हुई, इसका हम रिपोर्ट भिजवा रहे हैं। लेकिन ये करना मैं एकदम दावे के साथ बोल रहा हूँ कि सब पोलिंग ये इम्पॉसिबल है। थ्री लेट सिक्योरिटी होती है, थ्री लेट सिक्योरिटी, एक लेट भी नहीं, केवल एक एंट्री का गेट होता है, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, सीपीएमएफ लगे हमारे भरोसे बैठे हैं, हमारे तीन पर्सन लगे हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव भी चाहे तो बैठ सकते हैं, सब उनको लिखित में दिया गया कि वो चाहे बैठ सकते हैं। मैच करते हुए ईवीएम और बैलेट पेपर पकड़े जाने के बाद अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके बाद ही रात भर सपा के कार्यकर्ता घरों से निकलकर ईवीएम मशीनों की निगरानी के लिए पहुंचते रहे। सोनभद्र और मऊ में भी कथित रूप से गड़बड़ी की आशंका के आरोप सामने आ रहे हैं। यूपी चुनाव की काउंटिंग गुरुवार को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। शुरुआत के आधे घंटे तक पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे, फिर 8:30 बजे से ईवीएम के वोटों की गिनती होगी। गुरुवार को अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी बीडी राम तिवारी ने मतगणना को लेकर यह जानकारी दी है। बुधवार को मतगणना स्थलों पर काउंटिंग की तैयारियां जोर शोर से जारी रहीं। चूंकि इस बीच बरेली, बनारस और सोनभद्र में ईवीएम मशीनें, बैलेट पेपर बरामद हो चुके हैं, जिस पर बवाल मचा हुआ है। गड़बड़ी की आशंका से क्षुब्ध समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो इसे लोकतंत्र का आखिरी चुनाव तक बता दिया है। बुधवार को बुलंदशहर में एसडीएम अपनी गाड़ी लेकर मतगणना स्थल पर जा रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें गेट पर ही रोक दिया और पैदल जाने को लेकर कहा। उन्नाव में लेखपाल स्ट्रांग रूम के बाहर जाते नजर आए सपा नेताओं ने दौड़ाकर उन्हें पकड़ा, तो लेखपाल के पास से ईवीएम बॉक्स की पर्ची और सील लगाने का सामान पकड़ा गया। पिछले 20 घंटे के अंदर राज्य के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तमाम खबरें आ चुकी हैं जिन पर खलबली मची हुई है। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीडी राम तिवारी ने भी इन घटनाओं के संदर्भ में कुछ नहीं कहा है। हालांकि स्ट्रांग रूम की 3-लेयर सुरक्षा का हवाला जरूर दिया है। विपक्ष निर्वाचन आयोग से लेकर शासन प्रशासन पर आक्रामक है और सीधे तौर पर चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहा है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि एग्जिट पोल में जो दिखाया जा रहा है उसे सही साबित करने के लिए ये सारा खेल रचा जा रहा है, जबकि जमीन पर हकीकत अलग है। जनता ने बदलाव के लिए समाजवादी पार्टी को वोट किया है। काउंटिंग में गड़बड़ी की आशंका और पार्टी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक्टिव हो गए हैं। बनारस में तो हजारों कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। इसी तरह से बरेली में भी रात भर हंगामा चलता रहा। हजारों सपा नेता परसाखेड़ा स्थित मतगणना स्थल के बाहर डटे रहे और हर आने जाने वाले पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। वहीं काउंटिंग से पहले ईवीएम और बैलेट पेपर के बक्से बरामद होने को लेकर पूरे देश में आयोग की आलोचना हो रही है और इन घटनाओं को लोकतंत्र के खात्मे के तौर पर बयान किया जा रहा है। हालांकि आखिरी 2 दिनों में सामने आई इन घटनाओं से सपा समर्थकों को थोड़ा धक्का जरूर लगा है, इस आशंका से कि संभव है कि इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हों। यूपी चुनाव में धांधली की आशंका पर समाजवादी पार्टी के नेता मतगणना स्थलों के बाहर डट गए हैं। यहाँ तक कि मतगणना स्थल पर पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी पहुँच रहे हैं, सपा के नेता खुद ही उनकी गाड़ियाँ चेक कर रहे हैं। बरेली, बनारस और सोनभद्र में ईवीएम मशीनें, बैलेट पेपर पकड़े जाने के बाद सपा नेताओं ने ये रुख अपना लिया है। उधर बढ़ते दबाव और फजीहत के बीच निर्वाचन आयोग ने सोनभद्र और बरेली की एसडीएम को हटा दिया है। बरेली में बहेड़ी विधानसभा के बैलेट पेपर से भरे बक्से पकड़े गए थे। एक कूड़ा गाड़ी में भरकर ये बक्से मतगणना स्थल पर ले जाए जा रहे थे। इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने जमकर हंगामा काटा। डीएम शिवकांत द्विवेदी और एसएसपी रोहित सिंह सजबाण के अलावा भारी संख्या में पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचा। गुरुवार को इस मामले में एसडीएम पर कार्रवाई हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने एसडीएम पारुल तरार को हटा दिया है।
वहीं सोनभद्र जिले की घोरबाल तहसील के एसडीएम रमेश कुमार को भी हटाया गया है। एसडीएम पर बैलेट पेपर के साथ मुहर ले जाने का आरोप था। सपा नेताओं ने उनकी गाड़ी रोककर हंगामा काटा था, इसलिए उन पर कार्रवाई हुई है। रमेश कुमार की जगह अब श्याम प्रताप सिंह को नया एसडीएम बनाया गया है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में धांधली की आशंका से जुड़ी खबरें आना जारी है। उन्नाव में लेखपाल कुलदीप को सपा नेताओं ने स्ट्रांग रूम के बाहर पकड़ लिया। लेखपाल के पास से ईवीएम सील का सामान पकड़ा गया है, जिसकी वीडियो बनाई गई। मुरादाबाद में भारी संख्या में बैलेट पेपर पकड़े गए हैं, तो संत कबीर नगर जिले में भी एक लेखपाल के पास बैलेट पेपर बरामद हुए हैं। पीछे वाला भी लीजिए, बस लेकर के रजिस्टर में लेकर के कहाँ है वो? यहाँ रजिस्टर चेक करने पे बरामद हुआ है। उनको रोका गया है, जिलाधिकारी महोदय से बात हुई, आ रही है वो, उसके बाद तय होगा। और इसमें आरोप जिन्होंने सिग्नेचर करी है उनका कुछ नहीं कहना, वो धीरे से अंदर चले गए। एसडीएम खलीलाबाद कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। ये पकड़ा किसने है? हमने पकड़ा लोगों ने, हमारे लोगों ने, पार्टी के लोगों ने, पार्टी कार्यकर्ताओं ने। आरो साहब, आपको भी तकलीफ हो जाएगी ऐसे आप करेंगे तो काम आपके। ये चूक से हो गया? नहीं, चूक से की बात नहीं है ये, तो हम आगे से बहुत कैमरा लगा हुआ है कहाँ पे। ये आप अपने सारे पहली बार तो मिलान करिए, जब भी आपके ये पहले थे कि ये इस तरह के और कितने कागज बाहर है, ये जो अगर दो बैलेट पेपर मिला है, और इसकी जो है आप इसमें FIR दर्ज कराइए। FIR दर्ज होगी, बाकी कौन कौन इसमें लिप्त है नहीं लिप्त है वो हम जांच के बाद पता चलेगा कि किसकी गलती थी, क्या इंटेंशन थी। तो आरो साहब यही है, जवाब नहीं दे पा रहे थे, इनसे पूछा तो दिया। आरो साहब FIR दर्ज कराएंगे, ये झूठ है, ये 100% झूठ है। अब इसमें क्या है इंटेंशन, वो FIR की जांच में हमें मिलेगा। आप FIR आज ही दर्ज कराएंगे, ये नहीं, ये आपको नहीं मिलेगा। गुरुवार को जिला निर्वाचन अधिकारी ओसा मंडी स्थित मतगणना स्थल पहुंचे तो सपा नेताओं ने डीएम को गेट पर ही रोक दिया, उनकी गाड़ी चेक की। इसी तरह जिले में भी मतगणना स्थल पर हर आने जाने वाले वाहन पर नजर रखी जा रही है, फिर चाहे वे निर्वाचन अधिकारी हों या कर्मचारी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को ही पार्टी नेताओं को निर्देशित किया था कि 24 घंटे ईवीएम की निगरानी में जुटे रहें। ये ईवीएम नहीं बल्कि लोकतंत्र की रक्षा का भी सवाल है। मतगणना को लेकर शिवपाल सिंह यादव ने भी मतगणना अभिकर्ताओं से अपील की है कि वे अपनी टेबल पर पूरी ताकत के साथ डटे रहें और एक एक वोट पर पैनी नजर बनाए रखें। अखिलेश यादव ने एक और भी गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य चुनाव में मतगणना से ठीक 48 घंटे पहले वाराणसी में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम को अवैध रूप से स्थानांतरित कर दिया गया था। कि जो आज घटना घटी है बनारस में, जिस तरह तीन तीन गाड़ियां ईवीएम लेके निकली हैं और दो गाड़ियां तो भाग गई और उसमें बोरे से जो उसको ढक करके लेके निकले, किसी तरह एक गाड़ी पकड़ी गई है। और जबकि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है कि कोई भी ईवीएम अगर स्ट्रांग रूम से निकलती है तो वो प्रत्याशी को नोटिस हो, जिलाध्यक्ष को नोटिस हो और फोर्स के साथ वहां से उसको कहीं मूव किया जा सकता है। लेकिन ऐसा न करके चोरी से ईवीएम बदलने की नीयत से ये घटनाएं घटी हैं, उसकी शिकायत हम लोगों ने यहां किया है। और डीएम और कमिश्नर जब तक वहां रहेंगे तब तक न्याय मतगणना सही नहीं हो सकती है। जब तक डीएम और कमिश्नर को हटाया नहीं जाएगा तब तक मतगणना वहां हम लोग नहीं होने देंगे। क्या जवाब मिला? चुनाव आयोग ने क्या कहा? आश्वासन दिया है कि हम वैकल्पिक व्यवस्था करते हैं। अब क्या करते हैं, क्योंकि हम लोगों का काम है कहना और काम करना इनको है। उत्तर प्रदेश